अमेरिका में तो ऐसी सड़क नहीं होती है। अमेरिका में अगर ऐसी सड़क होती तो क्या होता? अब आप कहेंगे कि मैंने सड़क की शुरुआत में जो तस्वीर दिखाई और मैं अमेरिका क्यों चला गया, अमेरिका की बात क्यों करने लगा, क्योंकि दरअसल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी है, लेकिन ये तस्वीर जो पन्ना जिले से निकलकर सामने आई ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। शुरुआत में तस्वीर आपको नजर आई होगी, अमेरिका में तो बताइए ऐसी सड़क नहीं होती है। अब उसके बाद ये तस्वीर जैसे निकलकर सामने आई है, पूरा मामला आपको बताता हूँ। पन्ना जिले के रैपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले कंचनपुरा ग्राम से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर आप सोचिए ये स्थिति है सड़क ना होने के अभाव में कि एक बाप को चार लोगों के साथ अपने बच्चे के इलाज के लिए खाट पर चारपाई पर लेकर जाना पड़ता है। ये स्थिति है, जरा सोचिए एक बाप की कैसी विडंबना है उसके सामने। गांव में सड़क नहीं है, वाहन पहुंच नहीं सकता, मुख्य मार्ग तक ले जाना है, कटनी इलाज करवाने के लिए ले जाना है, लेकिन सड़क का ये हाल है तो एक बाप को इतना विवश होना पड़ता है। इस मामले में खुद जो ग्रामीण है उससे सुनिए कि किस तरीके से लोग सड़क ना होने से परेशान है। दादा इनको कहाँ ले जा रहे, दवाई का बीमार है तो कैसे लाए इनको? टोली में लाए। अच्छा, खाट। अच्छा, चार छः आठ। रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन ऐसा ही रास्ता है, पगडंडी रास्ता। अच्छा, तो सरपंच सेक्रेटरी उस बनवा नहीं रहे, क्या कर रहे? बनवा रहा है ना, सुन रहा है उनसे कई बार, कई आगे धंधा है कई। सुना आपने, अब जिम्मेदारी जिनकी है, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं उनके सामने जैसे ही मामला आता है और इस तरीके की तस्वीर आती है तो हर बार की तरह एक बात जरूर कही जाती है, जांच कराएंगे, सड़क बनवाएंगे और पूरा मामले का पता लगा रहे हैं। तो सुनिए इलाके के तहसीलदार क्या कह रहे हैं। कंचनपुरा है, ग्राम पंचायत फतेहपुर में लगता है कंचनपुरा, वहाँ पे एक नाला है, छोटा नाला, तो उस नाले में से लोग पैदल आते जाते हैं। इसकी जाँच करा के ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनवा के उसमें पुलिया का निर्माण करवाते हैं। जी, तो इस विषय में क्या आपने वहाँ के जो रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, क्या इस बारे में जानकारी ली है, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उनका ऐसा कहना है? हाँ, उन लोगों को अभी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन हम जानकारी दे के इसका जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं। सुन लिया आपने, प्रशासन का दावा भी सुन लिया, प्रशासन लाख दावा कर ले, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं मानवता को शर्मसार कर जाती हैं। सोचिए जिस बात को मैं आपसे कह रहा था कि सड़क ना होने के चलते किस तरीके की स्थिति, ये चार लोगों का सहारा लेकर नाला पार कराते एक बाप को अपने बच्चे को ले जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम सड़क योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या इन गांवों की स्थिति और नियति यही बन गई है? इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है सवाल उठ जाते हैं। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हम देखते हैं, उसके बाद अगर ये स्थिति निकलकर सामने आती है कि एक पिता को विवश होकर चारपाई पर अपने बच्चे को नाला पार करा के ले जाना पड़े, तो कहाँ है सड़क? कहाँ कहाँ से तुलना हम कर रहे हैं कि सड़क जो है या तो सड़क केवल हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे तक रहती है। गाँव के अंदर क्या अगर इस तरीके की सड़क है, हालांकि अब अधिकारी कह रहे हैं तो उम्मीद की जाना चाहिए कि अधिकारी जो जांच की बात कह रहे हैं, फॉरेस्ट की जमीन की बात कह रहे थे कि फॉरेस्ट की जमीन आती है, जांच कराएंगे और सड़क जरूर बनवाएंगे। पन्ना से आप तक एक बार पहुंचाइए हमारे साथ दीपक कुमार शर्मा ने, आप देखते रहिए एमपी तक।